अभी मैं किसी के घर में घुस जाता सनसेट पॉइंट के नाम पे। किधर है सनसेट पॉइंट? नमस्कारम और स्वागत है गोल्डन सिटी जैसलमेर में। कल रात थोड़ी ज़्यादा वो हो गई, मतलब कल जो मैंने लास्ट वीडियो एडिट वो एंड की थी वो गड़बड़ ऐसी थी कि मतलब पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था। सो रात मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं डायरेक्ट गेस्ट हाउस पर आया। गेस्ट हाउस पर आने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, उल्टी की, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। और उसका रीज़न था जो मैंने कचौड़ियाँ खाई थी और समोसे खाए थे, वो ऑयली मुझे ज़्यादा नुकसान कर गए। तो आगे से ध्यान रखेंगे कि ऑयली चीज़ें ना खाऊं सफ़र में। यार ट्रेन भी तो लेट हो गई थी, लास्ट वीडियो में देखा होगा कि ट्रेन 2 से 3 घंटे लेट थी, तो वहीं खाना पड़ा मजबूरी में, उसी वजह से सेहत बिगड़ गई। बट कोई नहीं, अब आराम है। जो गेस्ट हाउस के स्टाफ हैं उन्होंने हेल्प की हमारी, और रात में पहले तो वो ब्लैक टी बना के दी और सुबह दूध वाली चाय। थोड़ा आराम है अब, और अब बहुत कम चीज़ें खाऊंगा आज, मतलब खाऊंगा ही मैं। हाँ जी, तो गोल्डन सिटी में आपका दोबारा से स्वागत है। चलते हैं फोर्ट में। ये फोर्ट के एंट्रेंस, मंदिर बने हुए हैं आसपास, फोर्ट के अंदर ही हैं हम। जैसलमेर फोर्ट इंडिया का एक लिविंग फोर्ट है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस फोर्ट के अंदर लोग रहते हैं। जैसे कि फोर्ट के अंदर ही आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, फोर्ट के अंदर आपको मंदिर मिल जाएंगे, फोर्ट के अंदर आपको हवेलियाँ बनी हुई मिल जाएंगी, और इवन आपको फोर्ट के अंदर ही मार्केट मिल जाएगी। और जिस गेस्ट हाउस में रुका हूँ वो भी फोर्ट के अंदर ही बना हुआ है। तो यहाँ पर मतलब लोग रहते हैं आज के समय में भी। और ये जो फोर्ट है ये करीब करीब 600-700 साल पुराना है, क्योंकि जो मेरे जो गेस्ट हाउस के ओनर थे उन्होंने मुझे बताया ऐसा कि जो कि घर है उनका, और टूरिस्ट तो खैर घूमने आते ही हैं, तो अगर आपको सौभाग्य मिल पाए यहाँ रुकने का तो ज़रूर ट्राई करें। और मैं गेस्ट हाउस का नाम बता देता हूँ, उसका गेस्ट हाउस का नाम है शिवा गेस्ट हाउस, जो कि फोर्ट के अंदर बना हुआ है। और एक आपको मतलब किले में रहना कैसा रहता है, कैसा लगता है, और एक तरीके से मॉडर्न टाइम में समझ में आ जाएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो फोर्ट से बाहर आ गया मार्केट नीचे जाने के लिए। सो दिस इज़ हाउ गोल्डन सिटी लुक्स लाइक। यह अभी शुरुआत है, ऊपर तक जाएंगे, मतलब मैं ऊपर से नीचे आ चुका हूँ। मैं वहाँ गया था डाउन टाउन में ज़रा कुछ वो चीज़ देखने कि मनी विड्रॉ होगी नहीं होगी, क्योंकि बजट हमारा पूरा घर उड़ा चुका है। तो अभी टॉप तक जाएंगे, अभी ग्राउंड पे जाएंगे। जानकारी तो दे दी। चलिए अब गोल्डन सिटी यानी गोल्डन फोर्ट, या फिर कहें जैसलमेर फोर्ट का यानी कि अंदर का आपको एक टूर दिया जाए। तो जितना मैं नीचे गया था, तो मैं नीचे गया था तो मैंने जल्दी 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 यानी कि मैंने नीचे जल्दी जल्दी उतर तो गया, लेकिन अब चढ़ना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो फोर्ट से देखने लायक हैं, फोर्ट से ही व्यू लेने लायक है, और मेरी सेहत ख़राब है, इसी वजह से मैं ज़्यादा दूर जा नहीं सकता। यानी कि मैं सफारी के लिए और जो हॉन्टेड विलेज है कुलधरा वहाँ तो जा नहीं सकता, इसलिए मुझे जैसलमेर फोर्ट के अंदर ही घूम के आज का दिन स्पेंड करना होगा, बिकॉज़ मेरे पास बजट भी नहीं है। और दूसरी चीज़, मेरा टिकट हो चुका है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैंने जल्दी में टिकट बुक कर लिया। मैंने कि छोड़ो बहुत घूम लिया, चलते हैं थोड़ा आराम करेंगे घर जाकर, इसलिए। तो
आपको मैं छोटा सा ही टूर दे पाऊंगा जैसलमेर फोर्ट का। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। सो चलते हैं धीरे धीरे, जहाँ जहाँ मतलब हमें लेके जाएगा रास्ता, वहाँ वहाँ घूमेंगे रैंडमली, ओनली रैंडमली। कैसे घूमेंगे? आराम से। तो चलो टेम्पल के अंदर, ना तो फोन अलाउ है ना ही कैमरा अलाउ। सो हम जाएंगे सनसेट पॉइंट की ओर। सच में यार, जिस तरीके से उधर जोधपुर की गलियां एक्सप्लोर करने लायक हैं, ऐसे ही गोल्डन सिटी की गलियां और रास्ते एक्सप्लोर करने लायक हैं। सनसेट पॉइंट की ओर जा रहा हूँ। सनसेट तो हो नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं, हम जाएंगे जाएंगे। अभी मैं किसी के घर में घुस जाता सनसेट पॉइंट के नाम पे। किधर है सनसेट पॉइंट? हेलो जैसलमेर, ये सनसेट पॉइंट है। गढ़ी सागर उधर है, उधर गढ़ी सागर है, ये गोल्डन सिटी है। बनाना शुगर। तो मुझे काफ़ी खूबसूरत, ब्यूटीफुल और काफ़ी अमेजिंग, जिसे कहा जाए, व्यू पॉइंट मिल गया है, जहाँ से ये छोटा सा गोल्डन सिटी है, बाकी पूरा जो है वो इसके पीछे है। तो उसका व्यू यहाँ से आ जाएगा। बाकी ये वॉल जा रही है, देखो किले की वॉल जा रही है ना, यहाँ खड़े होकर फोटोज़ खिंचवा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। और मुझे मिले हैं यहाँ एमपी के दो भाई। क्या नाम है भाई आपका? नारायण सिंह सोलंकी। पीयूष सोलंकी, नारायण सिंह सोलंकी। तो ये मुझे मिले हैं और इन्हीं के साथ हम थोड़े फोटोज़ खिंचवाए हैं, इनके थोड़े फ़ोटो खींचे हैं। तो एक्सपीरियंस जय सही जा रहा है, सो फार सो गुड, क्योंकि आज मेरा लास्ट दिन है जैसलमेर में। सो थोड़ा बहुत जितना कवर होगा करेंगे कवर, ऐसे ही घूमेंगे। अभी हम लोग दीवार के, हाँ मैंने कहा ना, हम लोग दीवार के उधर साइड, किले के उधर साइड पहुंच जाएंगे। तो फिर हमारे पास है, बंद है, बंद ही कर दिया ऐसे तो। हाँ ये रास्ता देखो, यहाँ से दीवार पे लगा दिया स्टॉप। ओह माय गॉड, चलो यहाँ रास्ते में इधर उधर घूम रहे हैं दीवार के सहारे सहारे। पूरी दीवार खुली हुई नहीं है, वो बंद कर दिया आगे से उन्होंने। आगे तो खुली होगी उधर से। आप लोग भाई है दोनों? हाँ भाई, भाई है। ले इधर से काशे। तो अब आए हैं हम लोग सही जगह। ले जल्दी, ये तोप रखी हुई है इधर। काफी सही है यार, शहर का काफी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो आसपास से दूर दूर से देखो, ये पूरा, ये तोप मिल गई हमें, ये तोप रखी हुई है।
जा रहा हूँ मेडिसिन लेने, क्योंकि सो बस यही था जैसलमेर में मेरा सफ़र। मुझे बस इतनी ही जगह घूमना था, फोर्ट और लेक। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना, आज शाम को निकलना मुझे। बाकी वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। जैसलमेर की एक ही वीडियो है उसके लिए सॉरी, क्योंकि जैसलमेर लाइक मेरे पास बजट नहीं बचा। और जैसलमेर मैं दोबारा आऊँगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, तब जैसलमेर को कवर करेंगे एंड सैंड ड्यून्स तक जाएंगे। बाकी जहाँ वो छतरियाँ बनी हुई हैं, कुलधारा विलेज जो हॉन्टेड विलेज है, वहाँ भी जाएंगे। सारी जगह जाएंगे जैसलमेर में अगली बार। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। ये लेक तो अभी मैं यहीं पर लेक किनारे बैठूंगा शाम तक, क्योंकि जो मेरी ट्रेन है वो शाम की है। शाम की क्या बोलूँ, रात की है, रात में 11 बजे की ट्रेन है। सो उसी से ही जाना है मुझे, इसलिए लेक किनारे बैठ के आनंद लेंगे और शाम को सनसेट लेंगे। ठीक है साहब, यही करेंगे। Oh.